पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई तीसरी जमात तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ यासिन मलिक से। जी यासिन। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक वफाक और पंजाब में कभी मुस्लिम लीग की और कभी पीपल्स पार्टी की बरसर इक्तदार रही। अब 2018 के इलेक्शन के बाद पहली बार एक तीसरी सियासी जमात तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। 1953 के इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग शिकस्त खा गई थी और मुजीबुर रहमान जीत गए थे और अयूब खान ने मार्शल लगाकर मुस्लिम लीग कन्वेंशनल बना ली। 1962 में जब आइन नाफिज हुआ तो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी मुस्लिम पाकिस्तान में। 20 दिसंबर 1971 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। 1988 में पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमत बन गई और परवेज मुशर्रफ बनाई मुस्लिम लीग काफ और 2002 में हुकूमत मुस्लिम लीग काफ की रही। 2008 में पीपल्स पार्टी बरसे इकतदार आ गई। 2013 में इलेक्शन मुस्लिम नून इकतदार में आ गई। अब यूं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मरकज और पंजाब में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई तीसरी जमात तरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान में पहली बार दो जमाती निज़ाम की बजाय अब तीन जमाती निज़ाम राज हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिन मलिक।